Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. Jai, hum yahan kyun aaye hain? Are, chalo to sahi, come on. So, what do you think? Wow, Jai. It's lovely. Bahut sundar hai. Bilkul tumhari tarah. कुछ भी तुम्हें पता है मैं जब अपने सपनों का घर बनाती ना तो वो कुछ ऐसा ही दिखता देखो तुम्हारे और मेरे सपने भी कितना मेल खाते हैं अच्छा बताओ ना व्हाट डू यू थिंक यहां पे क्या होना चाहिए शुड इट बी वुडन या फिर नहीं वाइट मार्बल यहां पर ना एक रेड सोफा और उसके साइड में एक ऑरेंज लव सीट नहीं ऑरेंज नहीं आई थिंक डीप ब्लू और कंट्रास्ट में वॉलपेपर्स और यहां फायरप्लेस Don't copy me, okay? खैर अब fireplace तुम decide कर रही हो तो dining table तो at least मेरी choice क्यों होनी चाहिए? जय तुम्हें पता है? मुझे ना हमेशा से ही चाहिए था कि मेरे घर में ना एक कमरा हो जो जो सिर्फ किताबों से भरा हो, जैसे रियांश के पापा के घर में. Correct. यहाँ ना हो के भी हमारे बीच में. खैर छोड़ो भी ऊपर भी बहुत कुछ है. Come on, I'll show you around. Come on. आराधना तुमसे कुछ पूछना था वो मेरी मॉम आने वाली है तुम जानती हो ना वो लोग आने वाले हैं ओह दैट्स नाइस कुछ कोई बात है कुछ स्पेशल है बहुत स्पेशल है अब पूछ लूं क्या जस्ट वन मिनट ओके नॉट फेयर जय तुम तो हमें छोड़ के आ गए अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम शॉपिंग में जाओगे और ये हो रही है तुम्हारी शॉपिंग तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम इसको छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो अब जय ये तुम्हारा ड्रीम हाउस है ना और तुम आराधना को इसीलिए लाए हो क्योंकि शी इज गुड विद हाउसेस राइट करेक्ट हम इस घर के डिजाइन के बारे में ही बात कर रहे थे ओके तो तू ये बंगलो तो खरीद रहा डिपेंड्स तू बोलेगा तो खरीद लेंगे अच्छा मैं तेरी बीवी हूँ अपने होने वाली बीवी से पूछ लो अरे विक्रम वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यार सामने वाला जो बंगला है ना वो भी खाली है दोनों बेस्टी आमने सामने रहेंगे तो तभी तो ये हाउस इसका ड्रीम हाउस बनेगा करेक्ट मेरा तो बचपन से सपना है तू और मैं एकदम आसपास रहे एकदम आमने सामने पर तेरे बच्चे आके मेरे गार्डन में मेरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेले मेरा डॉगी तेरे गार्डन में आके सुसु करे तेरा डॉगी मेरे गार्डन में आके सुसु क्यों करेगा मेरे बच्चे और मैं तेरे गार्डन में सुसु करेंगे है ना आदमी स्टॉप इट गाइस नेचुरल है कुछ अच्छी बातें करें कुछ और तुम्हें यहाँ अपने सपनों का घर दिख रहा है आराधना पर मुझे उन सपनों की अर्थी नजर आ रही है खेलती रहो ये गेम पर आखिरी चाल मेरी ही होगी जब ये दोनों लड़के तुमसे नफरत करेंगे और तब तुम जानोगी कि सपने टूटना किसे कहते हैं ये कैसे अरेंज किया है सब कुछ हाँ ऐसे सर्व करोगे गेस्ट को जाके ट्रे चेंज करो और काम पे ध्यान दो मैं हूं ना तुम्हारे साथ मालिनी जी मैं जानती हूं आप मुझसे बहुत नाराज नहीं आराधना तुम नहीं जानती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूं और बेहतर यही होगा कि इस वक्त तू मुझे और गुस्सा मत दिलाओ किमी जाओ और पापा के साथ बैठो मालिनी जी मैं जानती हूँ मैंने जो किया जो कि माया की बात आपको नहीं बताई उसके लिए आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी पर कुछ हक दिल के भी होते हैं और कि माया के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है बहुत प्यार है उसकी बहुत परवाह करती हूँ कि माया के दर्द को मैंने महसूस किया है मालिनी जी मॉम प्लीज मेरी गलती की सजा आराधना दी को क्यों दे रहे हो अरे यार बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर कोई एसी का टेम्परेचर कम करो बर्फ बर्फ मंगवाओ थोड़ा गुलाब जल छिड़को आराधना यार मत थामो कि माया का हाथ मैं थाम लेता हूं क्या कहते मालिनी जी
अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? विक्रम बेटे तुम, मैं क्या, आपको लगता है कि सिर्फ आपकी माया की फिक्र कर सकती है? देखिए मान लीजिए मैंने और आराधना ने इसकी जान बचाई तो हमारा बंधन अटूट हो गया, अब आप हमें रोक नहीं सकते। नहीं विक्रम, तुम कुछ नहीं जानते। मैं सब जानता हूं। What? मैं जानता हूं कि माँ एक बहुत अच्छी लड़की है, और मैं ये भी जानता हूं कि पिछले कुछ महीने में इसे बहुत दुख मिला है, और मैं ये भी जानता हूं कि जिसके पास इतनी अच्छी माँ हो, जिसके पास ऐसा परिवार हो, जिसके पास हिम्मत बढ़ाने वाली आराधना जैसी दोस्त हो, उसके दुखों का अंत इस क्लोज। जिन लोगों को किमाया की बदनामी करनी है ना, वो अपने गिरवान में झांक के देखे। किमाया से अच्छी लड़की किसी को नहीं मिल सकती। पर इसका हाथ कौन थामेगा? मैं थामूंगा। विवेक जी, अब वक्त आ गया है कि आप बच्चों के रिश्ते को पक्का करने यहाँ आ जाए। ये हुई ना गल्ला। हेलो, कैसी हो कादंबरी? मैंने सोचा कि आपको फोन करके मैं एक गुड न्यूज दूं। लगता है डिस्टर्ब किया मैंने। 30 साल की शादी में मैंने तुम्हें रियाज के बीच में कभी परेशान नहीं किया, लेकिन आज तो मेरा दिल भरा हुआ है। मुबारक हो कादंबरी, मुबारक हो। रियाज की शादी के लिए लड़की वालों ने हमें बुलाया है। मिसेस लांबा, आज हमारे बेटे का रिश्ता आया है। आज हमारे बेटे ने किला फतेह कर लिया है। मिसेस लांबा, तुम चलोगी ना कादंबरी उनसे रिश्ते की बात करने? जतिन का फोन आया था, तुम्हारा लॉयर। ऑल ओके? मैंने बहुत सोचा विके, अब मुझसे नहीं होता। श्रेयांश हमारी शादी के बारे में सब कुछ जानता है, वो अपनी लाइफ में खुश है। आई थिंक हमें तलाक ले लेना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है, मुझसे नहीं होता। Make sure the champagne is chilled and I want the flute glasses only, okay? Mom, no mistake. हाँ कोको, please chill करो यार. Today is your birthday, अम्मा. मुझे बहुत काम है, okay? Don't disturb me right now. काम वाम तो होते रहेंगे मामा. किमी, guest आ रहे हैं. Please उन्हें happy birthday मान लीजिए. ये gift आपकी. Mom. Mom. Sorry आराधना दी, वो मेरी वजह से. कोई बात नहीं कि माया, वो माँ है, उन्हें हक है. वो किमाया, ये बीना आंटी की बेकरी का स्पेशल फज जो उन्हें बहुत पसंद है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम उन्हें दे देना। ठीक है दी। मॉम अब प्लीज, किसी का गुस्सा किसी और पे तो मत निकालिए प्लीज। कुछ बातें ऐसी होती है जो परिवार में ही रहे तो बेहतर है। हम कभी कभी किसी पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर जाते हैं और फिर वक्त आने पर एंड में हमें ही सफर करना पड़ता है। मम्मा, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। हाँ तो उसके लिए मैं पूरी जिंदगी उसका एहसान मानूंगी, लेकिन किमी उसने तेरी जान के साथ रिस्क लिया है, और जो इंसान मेरे परिवार की जिंदगी के साथ रिस्क उठाए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। वेलकम बॉयज। हे, हाय। कहाँ है वैसे हमारी बर्थडे गर्ल, कहीं नजर नहीं आ रही? अरे मॉम की ग्रैंड एंट्री होगी, ऐसे ही स्टार बेटियों की स्टार मॉम थोड़ी ना आएंगी। सारी स्टार सिस्टर्स एकदम छाई हैं। नासा को बोल दो आज सारे सितारे जमीन पे हैं।
विक्रम. आई मीन दैट वाज सो चीजी, बट थैंकफुली हमारी दी को चीजी बातें बहुत पसंद है. दी आराधना, वो एक्चुअली केक कटिंग की अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, सो प्लीज आई सी यू गाइस. थैंक यू. वो फ्लावर्स वहां क्यों रखे हैं? विरेन, क्या हुआ? हाँ, मैं कल से देख रही हूँ. मैंने कितनी बार पूछा भी, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई यू सो टेंस, इतने डरे हुए क्यों हो? मालिनी, मैं बुरा आदमी तो नहीं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ बच्चों के साथ अच्छा ही रहा हूं ना. ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? विरेन, तुमने इतने साल इतनी खबरें छपवाई है, इतने रिस्क लिए हैं, मैंने आज तक तुम्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा. अरे चलो चलो, लेट्स सेलिब्रेट. ए सुनो, सुनना, तुझे एक बात बतानी है. तेरे भाई का रिश्ता फिक्स हो गया. तुझे क्या लगता है मुझे तेरे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है. तेरे दिल की बात ना तेरे चेहरे पे साफ दिख रही है. मोहब्बत इज टपकोइंग ब्रो, टपकोइंग. या तेरे फिक्स हो गए तो मेरे भी होने वाले. साले तू हमेशा ही मुझसे कॉम्पिटिशन करता रहता. अब तू शादी भी मेरे साथ साथ करेगा? नहीं सालू, तेरी मेरी रिश्तेदारी होने वाली है और मैं बड़ा हूँ. खैर, आई एम हैप्पी कि तुझ जैसे टेढ़े बंदे को लड़की मिली. इट्स कॉम्प्लिकेटेड ब्रो. एक दिन हाँ बोलती है, दूसरे दिन छितर मारती है. कहा ना, तूफान है. तेरे लिए परफेक्ट है. मेरी लव स्टोरी में तो काफी अनकही बातें हैं. और मेरे में? हम प्यार के समय ना सारी बातें. मतलब तुझे भी तेरे जैसी लड़की मिली? हाँ, तू मेरी वाली को हैंडल कर भी नहीं पाता और मेरी वाली तुझ जैसी लड़की को कभी पसंद ही नहीं करती. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.